हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्लास 12 इकोनॉमिक्स, हाँ इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक से पढ़ रहे थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब इस चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया, और एक बार फटाफट चलो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होते थे? तो मैंने बताया था कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते थे जिनको जिनको हमने क्या किया कि अगर अब मतलब कि लास्ट टाइम पे जो सेल किया गया उसके बाद वो किसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जब उनको मतलब फाइनली कंज्यूम करने के लिए ही यूज किया जाए, उनको केवल और केवल किसके लिए कंज्यूम करने के लिए ही यूज किया जाए, उनको जो फाइनल कंजम्पशन जो होगा इनका किसके द्वारा होगा, कंज्यूमर्स के द्वारा होगा। फाइनल कंजम्पशन जो होगा वो कंज्यूमर्स के द्वारा होगा, इसको फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। मतलब कि हाँ ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया फाइनल गुड्स। लेकिन फाइनल गुड्स को फिर हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, फाइनल गुड्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक का नाम था कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स थे। कंजम्पशन गुड्स कौन से थे? कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स थे जिनको हम क्या करते हैं कि यूज करते थे, यानी कि कंज्यूम कर लेते, कंज्यूम कर लेते, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते। लेकिन ये भी दो टाइप के होते, एक होते थे ड्यूरेबल, जैसे साइकिल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये सारे जो हो गए, मोबाइल फोन हो गया, ये सब क्या होता है, ड्यूरेबल होते हैं, इनको हम एक दो दिन में नहीं खत्म कर सकते। लेकिन कुछ होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं। ओके, फिर अगला आता है फाइनल गुड्स। जब मैं फाइनल गुड्स की बात करता हूँ तो इसमें फाइनल गुड्स के दूसरे पार्ट में क्या आता है, कैपिटल गुड्स। क्या आते हैं? कैपिटल गुड्स ये वो गुड्स होते हैं जो जैसे इसमें आते हैं मशीन्स वगैरह। क्या आ जाते हैं? मशीन्स। ये सब क्या होते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाता है। इनको किस लिए किया जाता है? इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ठीक है, ये किसी और या गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान में रखना कि कैपिटल गुड्स भी एक प्रकार से फाइनल गुड है। गलती से भी ये मत समझना कि कैपिटल गुड्स के कहते हैं कि फाइनल गुड्स नहीं है, क्योंकि अभी तो सर ने बोला था कि फाइनल गुड्स तो होते हैं जो वो चीजें जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में मतलब कि इनको कंज्यूम तो किया गया है, लेकिन लेकिन आप इनको खा तो मशीन को तो खा नहीं सकते। मशीन मशीन क्या करती है? मशीन खुद नहीं चेंज होती, मशीन खुद नहीं चेंज होती, मशीन दूसरों चीज को चेंज करने में सहायता करती है। फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होता है कि उनको दोबारा चेंज नहीं किया जाता, उनको मतलब कि किसी दूसरे फॉर्म में नहीं चेंज किया जाएगा, दूसरे फॉर्म में चेंज करके फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व किया जाता। तो मशीन्स जो होती है उनको खुद नहीं चेंज किया जाता, मशीन खुद नहीं चेंज होती, बल्कि मशीन दूसरों चीजों को चेंज करने में वो सहायक। ठीक है, तो ये हमने कैपिटल गुड्स से पढ़ रखा था। फिर हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड वो गुड होते थे जो किसी दूसरे में क्या होता था, रॉ मटेरियल की तरह काम होते। ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये रॉ मटेरियल की तरह काम आती है। ठीक है, इसको हमने बोला था। ओके, तो ये सब जो रॉ मटेरियल की तरह काम आती है इन्हें हमने बोला था इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, अब ये किसी भी चीज को डायरेक्टली फुलफिल नीड नहीं कर पाती, किसी चीज के नीड को डायरेक्टली फुलफिल नहीं कर पाती, तो इसका मतलब क्या होता है कि इनको क्या होता है कि किसी भी चीज में कन्वर्ट करने में सहायता होती है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके कोई दूसरा चीज बनाया जाता है, तो इसे बोला गया इंटरमीडिएट गुड्स बोला गया, इंटरमीडिएट गुड्स। फिर हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब बताया था कि कितना आपने फिजिकल स्टॉक, हाँ फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल में कितना के कहते हैं कि एडिशन किया है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एडिशन, वैल्यू ऑफ एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक। ठीक है, फिजिकल स्टॉक में आपने कितना वैल्यू एडिशन किया, फिजिकल स्टॉक में आपने कितना वैल्यू एडिशन किया है। ठीक है, इतना समझ में नहीं समझ तो किस में, फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल हाँ किसी भी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग हाँ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, किसी एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में कितना आपने ऐड किया है उसे क्या बोला गया, इन्वेस्टमेंट, उसे क्या बोला गया, इन्वेस्टमेंट बोला। फिर एक वर्ड पढ़ा था हमने डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जैसे हमने बताया कितना वैल्यू हर साल कम होगी, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की
किसी भी चीज की वैल्यू में हर साल में कितना कमी आ रही है, उसी क्या बोला गया, डेप्रिसिएशन। क्या बोला गया था, डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी, हाँ, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू में फॉल हो रहा है, ठीक है। हाँ, फॉल इन वैल्यू ऑफ, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल के वैल्यू में कितना कमी आ रही है, अब किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात है, ठीक है। हाँ, और किसकी वजह से होता है, याद करो, ये कितना, ये जो फॉरेन वैल्यू होता था वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू वियर एंड टीयर। ड्यू टू वियर एंड टीयर, हमें पता है मशीन चलती रहेगी तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ टूट फूट तो होगी ही होगी, टूट फूट तो होगी ही होगी, ड्यू टू वियर एंड टीयर, ये सारी। ओके, इतना बात समझ गए। फिर हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के बाद में, हमने दो वर्ड पढ़े थे, एक पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या पढ़ा था, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा पढ़ा था नेट इन्वेस्टमेंट। अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल, आपने कितना के कहते हैं कि टोटल एडिशन, टोटल एडिशन, टोटल कितना आपने फिजिकल गुड्स में या कैपिटल में ऐड किया है, उसे बोलोगे टोटल एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक, ठीक है। टोटल एडिशन कितना था ऑफ कैपिटल, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर जब मैंने बताया तो नेट स्टॉक का मतलब क्या, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन को, तो आपका मिल जाएगा, इसे हमने बताया था, इसे माइनस कर दो तो आपको क्या पता चल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा, नेट इन्वेस्टमेंट आपको पता चल जाएगा। फिर अगला आता है स्टॉक क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, स्टॉक फ्लो, तो स्टॉक और फ्लो पढ़ा था। तो जब मैंने बताया था कि स्टॉक का मतलब होता था वो वेरिएबल्स होते थे जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जाता है, किसका देखा जाता है। हाँ, स्टॉक का मतलब होता है कि वेरिएबल्स, हाँ, हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हुज, हाँ, हुज मैग्नीट्यूड इज, मैग्नीट्यूड इज मेजर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है तो उसे बोला गया स्टॉक। और ये वो चीजें होती हैं हुज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें क्या बताया था हमने, इसमें हमने बताया था इनकम, फ्लो में क्या बताया था, इनकम, इसमें हमने बताया था कैपिटल गुड्स, जैसे मशीन्स वगैरह होगी, तो इसमें ये सारी बातें बताई। ओके, इतना बात समझ रहे हैं तुम, यहाँ तक समझ रहे हैं। और ये कहते हैं कि ये इसमें एक चीज और बताया था मैंने, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, इसमें क्या बताया था, इन्वेंट्री, कैपिटल गुड्स में आ जाएगी इन्वेंट्री वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती है वो, हाँ, वेल्थ, हाँ, वेल्थ, ठीक है। तो ये सब हो गए, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा था। फिर हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर, अभी यहाँ पे ये बातें हमने बता दी। फिर उसके बाद हमने बताया था कि जो ये, अगर जो टोटल आउटपुट होता था, जो टोटल आउटपुट होता था
उसमें क्या होता था, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था, साथ में हमने क्या बताया था कि टोटल आउटपुट जो होता है, टोटल आउटपुट या टोटल फाइनल गुड जो होता है वो किसके बराबर था, कैपिटल गुड प्लस में कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड्स। अब मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ध्यान रख लेना यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं क्या करता हूँ, कैपिटल गुड्स और ध्यान रख लेना, पर्टिकुलर टाइम और फॉर अ गिवन, फॉर अ गिवन टोटल आउटपुट। अब टोटल आउटपुट हमने फिक्स करो, अगर हमने टोटल आउटपुट फिक्स कर रखा है, तो अगर मैं कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाता, अगर मैं कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा। कैसे, जैसे मान लो कि अभी मुझे बनाने थे 100, मान लो 1 मंथ में हमने, या हाँ 1 मंथ या मार्च मंथ की बात करें या फरवरी मंथ की बात करें, तो फरवरी मैंने बोला कि फरवरी में 100, हाँ टोटल आउटपुट कितने था 100, ऐसे जस्ट एग्जांपल ले लो 100 यूनिट टोटल आउटपुट। मैंने बोला कि उसमें से कैपिटल गुड्स जो थे वो 70 यूनिट थे, कैपिटल गुड्स कितने थे 70 थे, हाँ कैपिटल गुड्स कितने थे 70, तो मुझे बताओ कंज्यूमर गुड्स कितने होंगे, 30 होंगे उत्तर, तो ये 30 होंगे। अगर मान लो कि ये मार्च मंथ, ये फरवरी मंथ की बात है, फिर मैंने बोला कि अगर हो सकता है कि हाँ फिर से 100 यूनिट ही रहा, लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर मैं 60 यूनिट कैपिटल गुड्स 60 प्रोड्यूस करूंगा, हाँ अगर मैं फरवरी में ही कहता कि भाई 60, हाँ, कि अगर मैंने क्या किया कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करना था, टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस करना है वो कितना है 100, लेकिन कैपिटल गुड्स हमने 60 प्रोड्यूस किए, तो कंज्यूमर गुड्स कितने होंगे 40। यानी कि इससे एक चीज पता चल रहा है कि अगर मैं कैपिटल गुड को कम करता, अगर मैं कैपिटल गुड को कम करता हूँ तो क्या होता है, कंज्यूमर गुड बढ़ता है, हाँ कंज्यूमर गुड बढ़ता है, लेकिन अगर मैं कंज्यूमर गुड को बढ़ाता हूँ, मान लो कि सॉरी कैपिटल गुड को बढ़ाता हूँ 100 से, यहाँ पे 70 से 80 करता हूँ, तो यहाँ क्या होगा 20, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन ये क्या होगा ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए, ये टाइम के लिए। लेकिन अगर सोचो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में अगर मैं, अगर कैपिटल गुड्स बढ़ा रहा हूँ, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, मैंने क्या बोला कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो फ्यूचर में, हाँ फ्यूचर में क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन क्या होगा बढ़ेगा, ध्यान रखें। फ्यूचर में क्या होगा, अगर मैंने कहा कि वो किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बात है, वो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात है, अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में क्या होता है कि अगर अभी आप कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करते हैं, कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है, हाँ तो क्या होता है कि कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन क्या होता है बढ़ता है, कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन बढ़ता है। कैसे, जैसे अभी आपने क्या किया कि अभी देखो, जैसे आपने क्या किया 100 मशीन, पहले 60 मशीन थी, तो 60 मशीन पे काम करना, हाँ 60 मशीन मान लो किसी भी चीज को 60 60 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, 60 मशीन अगर मान लो हर एक मशीन एक एक यूनिट प्रोड्यूस कर रही है तो 60 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रही है। लेकिन अगर मान लो कि अगली बार, हाँ अगली साल हमने बताया कि अगले ईयर में क्या कहा कि 60 60 मशीन के बजाय 80 मशीन प्रोड्यूस, यानी कि आपने क्या किया कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया था, तो अब तुम्हारे पास वो क्या हो चुके हैं 80 मशीन हो चुके हैं, यानी कि अगले साल आप क्या करोगे 80 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं। लेकिन ये अगले साल की बात हो रही है, ध्यान रखें कि अगर कंज्यूमर गुड्स में, मतलब सॉरी अगर कैपिटल गुड्स में बढ़ोतरी होती है, आपके कैपिटल गुड्स में बढ़ोतरी होती है, आपने कैपिटल गुड्स को सही से मतलब कि ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, तो इन फ्यूचर में क्या होता है कंज्यूमर गुड्स में भी क्या कहते हैं कि बढ़ोतरी होगी, ये बात यहाँ से यहाँ तक पर भी लिखी हुई, यही बात यहाँ से यहाँ तक पर में लिखी हुई है, ठीक है ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्या हमने बताया कि अगर, अगर देखो लिखा हुआ है,
इफ अ लार्जर शेयर गोज टू द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, अ स्मॉलर शेयर इज अवेलेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। लेकिन ये कब होगा? जब किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात है। ये कब की बात कर रहा होता है? ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात है, ठीक है। पर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड गिवेन अ लेवल ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, जब टोटल आउटपुट भी दिया हुआ होगा, तो इट इज ट्रू इफ मोर कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड लेस नंबर ऑफ गुड्स वुड बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे मैंने फेब्रुअरी के लिए ही बोला था, तब आप कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस होगी, कंज्यूमर गुड्स कम होगी। बट जब फ्यूचर की बात करें, जब फ्यूचर की बात करूंगा, तो बट प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स वुड मीन दैट इन फ्यूचर, अगर आज अभी आप ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हो, तो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और आपका कंज्यूमर गुड्स भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस। बट इन फ्यूचर द लेबरर्स वुड हैव मोर कैपिटल इक्विपमेंट्स, उनके पास में ज्यादा कैपिटल इक्विपमेंट्स होगा काम करने के लिए, तो इससे क्या होगा कि वो ज्यादा आसानी से काम कर, ठीक है। दस टोटल इनपुट इटसेल्फ वुड बी हायर कंपेयर टू द केस व्हेन लेस कैपिटल गुड्स वर प्रोड्यूस्ड। यानी कि टोटल इनपुट इटसेल्फ वुड बी हायर कंपेयर टू द केस व्हेन लेस कैपिटल गुड्स वर प्रोड्यूस्ड। जब मतलब कि लेस कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, टोटल इनपुट भी क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। इफ द टोटल इनपुट इज हायर द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड वुड श्योरली हायर। यानी कि आपका जो टोटल आउटपुट ज्यादा होगा, तो क्या कहते हैं कि टोटल आउटपुट ज्यादा होगा आपका, तो क्या कहते हैं कि हाँ टोटल आउटपुट ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में हाँ कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप, ये फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है कि अगर आप क्या कहते हैं कि कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो ज्यादा मतलब कि कंज्यूमर गुड्स भी ज्यादा। इतनी सारी बातें हमने बात करी। अब यहाँ पे देखो, दस द इकोनॉमिक साइकिल नॉट ओनली रोल्स ऑन, हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इनेबल्स इकोनॉमी टू एक्सपेंड। यानी कि इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है, आपको कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा। हाँ इकोनॉमी को एक्सपेंड करना होगा तो इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है तो कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करना, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू फाइंड अदर व्यू ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, वो अभी अभी बढ़िया से समझेंगे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ यहाँ पे, सिंस वी आर डीलिंग विद ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केट, मार्केट मार्केट के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रही है, इसको क्या करना है, बेचना ही है, बेचना है। लेकिन ये बेचेंगे कब, बेचेंगे कब, जब खरीदने वाले के पास में पावर होगी, परचेजिंग पावर, ठीक है। यानी कि अ क्रूशियल फैक्टर इनेबलिंग सच सेल इज डिमांड ऑफ डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट बेस्ड बाई परचेजिंग पावर। यानी कि अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी, तभी तो वो सामान को खरीदेंगे। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उनको कभी कब खरीदेंगे लोग, जब उनके पास परचेजिंग पावर होगी। अदरवाइज वंस नीड फॉर कमोडिटीज डज नॉट गेट रिकॉग्नाइज बाई द मार्केट। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो उनके मार्केट के द्वारा उनके नीड को लोग देखेंगे नहीं, उनके नीड को देखेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर है ही नहीं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट वंस एबिलिटी टू बाई कमोडिटीज कम्स फ्रॉम द इनकम। और हमें पता है किसी भी चीज को खरीदने की जो एबिलिटी आती है वो किससे आती है, इनकम के थ्रू आती है। जो वो क्या करते हैं कि लेबरर के फॉर्म में काम करता है, जब वो लेबर होगा तो उसको वेजेस मिलेंगे, लेबर होगा तो उसको क्या मिलेंगे, वेजेस। वेजेस का मतलब होता है वेतन, वेजेस का मतलब होता है वेतन। तो यानी कि लेबर होगा तो उसको अपने काम का पैसा मिलेगा, अगर वो एंटरप्रेन्योर होगा तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो लेबर है, हाँ अगर वो लेबरर है, तो उसको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड को क्या मिलता है, रेंट, लैंडलॉर्ड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। तो वो क्या करेगा, उस जमीन का वो रेंट वगैरह मिलेगा। जो ओनर होगा, ओनर ओनर ऑफ कैपिटल, ये क्या होगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ओनर ऑफ कैपिटल, इसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या मिलता है,
इसको मिलता है प्रॉफिट मिलता है। ध्यान रखना कि एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ओनर को क्या मिलता है, जो कैपिटल का जो ओनर होता है उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इन शॉर्ट द इनकम्स दैट, अब ये सबके इनकम है, लेबरर का इनकम क्या है, वेज वेतन, लैंडलॉर्ड का इनकम क्या है, रेंट, ओनर का इनकम क्या है, इंटरेस्ट पे, और क्या कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर का इनकम जो है प्रॉफिट। तो यानी कि इन शॉर्ट द इनकम्स दैट पीपल अर्न एज ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। अब देखो फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन यही चारों चीजें जो अभी हमने बोला था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार चीजें होती हैं, ये सब आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार चीजें, कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहला आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, सबसे पहला चीज आता है लैंड। क्या आता है लैंड का क्या मिलता है लोगों को, रेंट। लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था, क्या कहते हैं, फिर हमने पढ़ा था ये लेबर, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस, ठीक है। अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप जो होगा, एंटरप्रेन्योरशिप इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और कुछ बचा रह गया कुछ, हाँ और क्या कहते हैं कि यहाँ से रह गया, एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है प्रॉफिट, और क्या कहते हैं कि जो कैपिटल, उसने कैपिटल इन्वॉल्व कर, कैपिटल ओनर जो था, कैपिटल ओनर जो था उसको क्या मिलता था, इंटरेस्ट। ये चार चीजें, तो यही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो इनकम, इसी के थ्रू तो इनकम मिल रही है, ये इनकम इनकी, यही इनके इनकम, ठीक है। तो ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड बाई देम टू मीट दियर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब वो जो गुड्स एंड सर्विसेज, यही लोग तो गुड्स एंड सर्विसेज भी देंगे, ये जो लेबरर होगा या जो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो पर्सन होगा या जो, हाँ हर लोगों को तो डिमांड जरूर, मतलब ये अपने सामान के डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, यही गुड्स एंड सर्विसेज को जब खरीदते हैं यही सारे। सो वी कैन सी अ सर्कुलर फ्लो हियर व्हिच इज फैसिलिटेटेड थ्रू द मार्केट। यानी कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कुछ फॉर्म्स होंगी, फॉर्म होंगी वो क्या करती हैं, डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू रन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे एक होगा फर्म होगा, क्या है ये फर्म, और यहाँ पे क्या होगा ये हाउस होल्ड, फर्म है और ये क्या है, हाउस होल्ड। अब ये फर्म क्या करती है, फर्म्स को चाहिए, ये प्रोड्यूस, ये क्या है, प्रोड्यूसर की तरह काम करेगी, ये जो कंपनियां हैं कुछ ना कुछ चीजें प्रोड्यूस करेंगी, ये जो कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये डिमांड करती है, ये जो फर्म होती है ये क्या डिमांड करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने चार चीजें बात की है, तो उन्हीं चार की ये चीजें डिमांड करती है, ये जो कंपनियां होती हैं वो किसकी डिमांड करती हैं, यही चार चीजें की डिमांड करती है, किसका किसका, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ एंटरप्रेन्योरशिप, और चौथा कैपिटल होना, ये चार चीजें, यही तो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये चार चीजें ये डिमांड करती हैं, कौन डिमांड करते हैं, फर्म्स, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करती हैं, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेस, हाँ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर, इनका डिमांड क्या होता है, डिमांड होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी कंपनी का जो डिमांड होता है वो क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा और इन ये प्रोड्यूस क्या करती हैं, कंपनियां प्रोड्यूस क्या करती हैं, फर्म्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इतना बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। अच्छा अब जब ये इनको डिमांड करती हैं तो इसका इसका ये क्या करेंगी, इसका पेमेंट करेंगी, इसका जो पेमेंट करती है उसके क्या बोला गया,
इसका ये जो पेमेंट करती है उसे बोला गया प्रोडक्शन पेमेंट। तो क्या बोला गया? प्रोडक्शन पेमेंट। ये प्रोडक्शन पेमेंट दी है, प्रोडक्शन पेमेंट दे किसको रहे हैं ना, ये प्रोडक्शन पेमेंट देते हैं किसको? पब्लिक को देंगे, क्योंकि यही लोग तो पब्लिक हैं जिन्होंने ये दिया है इनको, कंपनी को अपना लैंड दिया होगा, कंपनी को अपना लेबर दिया है, ये सब कौन लोग है? पब्लिक। तो ये प्रोडक्शन पेमेंट किसको करते हैं? पब्लिक को करते हैं। प्रोडक्शन पेमेंट किसको करते हैं? पब्लिक को करते हैं। और ये जो पब्लिक होती है, पब्लिक फिर क्या करेगी? इन्हीं जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना शुरू करती है। पब्लिक क्या करती है? इन्हीं गुड्स एंड सर्विस को क्या करती है? खरीदना शुरू करती है। वो इसके ऊपर क्या करती है? खर्च करना शुरू करती है। ठीक है, यही जो पब्लिक होती है इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदती है। तो देखो क्या हो रहा है, क्या हुआ, ये जो फर्म से जो पैसा आया, जो फर्म से पैसा आया वो किसके पास गया? पब्लिक के पास गया। हाँ, फर्म से जो पैसा आया वो किसके पास गया? पब्लिक के पास गया। वो किस फॉर्म में गया? प्रोडक्शन और पेमेंट के फॉर्म में गया। क्या मैंने बताया? जो फर्म से जो पैसा था वो किसके पास गया? पब्लिक के पास। कंपनी से पैसा पब्लिक के पास गया। किस लिए गया पैसा पब्लिक के पास? क्योंकि कंपनी ने लिया था इनसे सर्विसेज ली, कंपनी ने इनसे क्या लिया था? फैक्टर सर्विसेज, यानी कि इन्होंने फैक्टर सर्विसेज मतलब वो लैंड लेबर वगैरह वो सारी थी। तो इसके इसके बदले में इनको इनको क्या देना पड़ा? पैसा देना पड़ा। इसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। तो इन्होंने ये जो पेमेंट किया, तब पब्लिक के पास पैसा आया। जब पब्लिक के पास पैसा आया, अब कंपनी ने क्या प्रोड्यूस किया था? गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन खरीदेगा? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे क्या कहते हैं कि लोग खरीदेंगे। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद देंगे तो कंपनी को उल्टा पैसा देंगे, कंपनी को उल्टा ये लोग पैसा देंगे, यानी कि स्पेंडिंग करते हैं कंपनी के ऊपर। हाँ, कंपनी के ऊपर क्या करते हैं? स्पेंडिंग करते हैं। तो वही कुल मिलाकर के यहाँ पे बताया गया है कि इन टर्न द पब्लिक्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो क्या होता है कि जब पब्लिक के पास पैसा आता है, पब्लिक भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करती है, और वो पैसे पे करती है। किसको पैसे पे करती है? कंपनी को। तो यानी कि देखो, कंपनी किसको पैसा पे कर रही है? लोगों को। और लोग किसको पैसा पे कर रहे हैं? कंपनी को। ठीक है, क्या मैंने बताया कि कोई भी फर्म जो था, फर्म फर्म ने किसको पैसा दिया? पब्लिक को। किस लिए पब्लिक को दिया था? क्योंकि इन्होंने उनको सर्विसेज प्रोवाइड की थी। इन्होंने फर्म पब्लिक ने फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड की थी। लेकिन अब पब्लिक क्या होती है, वो पैसा किसको दे देती है? फर्म। फर्म को क्या दे देती है? क्योंकि फर्म जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है इनको? फर्म जो होता है पब्लिक को क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो यानी कि देखो, ये पैसे का जो फ्लो है वो पूरा सर्कुलर फ्लो है क्या? पूरा ये क्या कहते हैं कि इस इकोनॉमी में इनकम का जो फ्लो है वो क्या है? सर्कुलर फ्लो है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी को क्या बोला गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया? इसी को बोला गया सर्कुलर फ्लो। हाँ, इनेबल सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी बातें आएंगी। ठीक है, सोशल एक्ट ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन आर, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ये दोनों क्या हुआ है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर कॉजेशन हियर। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी जनरेट्स फैक्टर पेमेंट्स। याद है कि जब देखो हमने अभी बताया ना कि अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आप फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स का मतलब उम्मीद करता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फैक्टर पेमेंट्स का मतलब होता है ऐसे पेमेंट्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए दिए गए हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे क्या कहते हैं कि अभी मैंने बताया था लैंड, लेबर, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल होगा। इन सबको क्या कहते हैं कि जो पैसे दिए गए उन्हें बोला गया फैक्टर पेमेंट्स। फॉर दोज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, हाँ, जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे इनको जो पेमेंट किया गया उसे बोला गया फैक्टर पेमेंट। और जनरेट्स गुड्स एंड सर्विस, और प्रोडक्शन में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। फिर द इनकम सो जनरेटेड क्रिएट कैपेसिटी टू परचेज। तो अब ये जो इनकम आया लोगों के पास, इनकम जो आया जो फैक्टर पेमेंट से लोगों के पास इनकम आया, वो लोगों को क्या कहते हैं कि परचेजिंग पावर दे दिया, उनके पास कैपेसिटी दे दी कि भाई तुम खरीद सकते। जब उनके पास खरीदने की शक्ति आ गई तो फाइनल कंजम्पशन गुड्स, फाइनल कंजम्पशन गुड्स यानी कि हाँ, परचेज द फाइनल कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज, वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो फर्म थे या जो एंटरप्राइजेस थे, वो लोग अपना जो गुड्स प्रोड्यूस किए थे उसको वो बेच करके वो लोग भी पैसे कमाएंगे। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, एक दूसरे से ये दोनों एक दूसरे से ऊपर इंडिपेंडेंट है, या डिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड। द कैपिटल गुड्स विच आर ऑल्सो जनरेटेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमें पता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस की जाती है,
प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस कर जाती हैं, ऑल्सो इनेबल दी है प्रोड्यूसर्स टू अर्न इनकम। तो यानी कि क्या होता है, ये जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होती है तो इनकी सहायता से वो लोग इनकम कमा सकते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इनकम हाँ चाहते हैं, जैसे वेजेस प्रॉफिट्स वगैरह इनको मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, द कैपिटल गुड्स एड टू और मेंटेन द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, दस मेक प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी पॉसिबल। तो क्या होता है, जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो हमेशा किसमें, कैपिटल स्टॉक में जुड़ते हैं, इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जुड़ते हैं, जो क्या होता है कि अदर कमोडिटीज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में सहायता करती है। तो यही अब यहाँ पे देखते हैं, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का सर्कुलर फ्लो एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अभी जो हमने पढ़ा है वही पूरी की पूरी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ करके आए हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, हाँ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी इन द प्रीवियस सेक्शन, यानी कि जो अभी हमने 2.1 में पढ़ के आए हैं, ये हमें बताया कि एक सिंपल इकोनॉमी कैसे काम करती है। सिंपल इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं, जो हमने एक सिंपल इकोनॉमी का जो दिया, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड नहीं है, और कोई भी सेविंग नहीं कर रहा है, कोई भी सेविंग नहीं कर रहा है, तो ये बता रहा है कि कैसे सिंपल इकोनॉमी काम करती है, ये बताया गया 2.1। द हाउस होल्ड रिसीव दियर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स, ये जो हाउस होल्ड से, यहाँ पे फिर से एक मैं बनाता हूँ और ये समझना, यहाँ पे ये देखो ये फर्म है, ये फर्म है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये फर्म्स है और इधर हाउस होल्ड, अब ये जो फर्म्स हैं और ये क्या कहते हैं कि हाउस होल्ड, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि द हाउस होल्ड रिसीव दियर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज दे परफॉर्म फॉर द लेटर, यानी कि जो इन्होंने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज किया किसके लिए, किसके लिए किया, हाँ फर्म्स के लिए, यानी कि इन्होंने कुछ काम किया, इन्होंने क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइड की, इन्होंने किसको सर्विसेज प्रोवाइड की, फैक्टर सर्विसेज, इन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, तो इसके बदले में हाउस होल्ड फर्म क्या करेगा, इनको पैसा देगा, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, क्या बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या हो रहा है फैक्टर पेमेंट्स मिल गए। ओके, एज वी हैव मेंशन बिफोर देयर मे फंडामेंटली फोर काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, हमें पता है कि फोर टाइप के कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहला हमने बताया था कंट्रीब्यूशन मेड बाय ह्यूमन लेबर, लेबर का जो मेहनताना, हाँ रिम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनताना होता है, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनताना, या उसका जो पारिश्रमिक होता है वो कितना, उसको क्या मिलता है, वेज मिलता है, ये भी मैंने पढ़ाया था। हाँ कैपिटल के लिए क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल के लिए क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट मिलता है, और क्या कहते हैं कि फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्स लाइक लैंड के लिए आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, लैंड के लिए आपको क्या मिलता है, रेंट मिलेगा, ये सारी चीजें हो गई फैक्टर पेमेंट्स, आपको फैक्टर पेमेंट्स मिल गई। जब मैं बात करता हूँ किसी भी सिंप्लीफाइड इकोनॉमी, जब मैं बात करता हूँ किसी भी सिंप्लीफाइड इकोनॉमी की, मतलब कि हाँ यहाँ पे हम मान लेते हैं देयर इज ओनली वन वे इन विच हाउस होल्ड मे डिस्पोज ऑफ दियर अर्निंग। अब जब मैं सिंप्लीफाइड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हाउस होल्ड होंगे वो अपना पैसा खर्च कर सकते हैं केवल एक ही तरीके, वो अपना पैसा केवल एक ही तरीके से खर्च कर सकते हैं, ठीक है, बाय स्पेंडिंग दियर एंटायर इनकम, यानी कि ये लोग जो है ये लोग अपनी पूरी की पूरी इनकम इस कंपनी के द्वारा बनाए गए सामान पे ही वो खर्च कर सकते हैं, ना तो वो बचा रहे हैं, सिंपल इकोनॉमी में कोई भी पैसा बचाया नहीं जा रहा है, कहीं पर भी रखा नहीं जा रहा है, वो केवल केवल मतलब समझ लो कि इस दुनिया में एक ही कंपनी है, तो यानी कि सारा का सारा सामान यहीं से खरीदा जाएगा। अब ये समझ आए नहीं समझ आए, तो यही है। तो हाँ, बाय स्पेंडिंग द एंटायर इनकम ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक फर्म्स, यानी कि सारा का सारा पैसा जो हो रहा है, जितना भी इसका इनकम होगा, जो हाउस होल्ड वालों का जितना भी इनकम होगा, वो सारा का सारा पैसा कहाँ पे जाता है, वो फर्म्स के पास हो जाता है, सारा का सारा पैसा किसके पास हो जाता है, इन फर्म्स के पास हो जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि ये खरीदते हैं, यहाँ पे स्पेंडिंग पूरा पूरा ये लोग कहाँ पे करेंगे, इसी फर्म के ऊपर करेंगे, ठीक है, पूरी पूरी स्पेंडिंग करेंगे, यही है सिंपली सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी में यही होता है। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि ये सारा का सारा पैसा इन्होंने यहाँ पे
खर्च करती है बाई स्पेंडिंग दियर एंटायर इनकम ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये इनको पैसा तो दे रहे हैं हाँ, फर्म्स को, किस बात का दे रहे हैं? इन्होंने इनसे गुड्स एंड सर्विसेज ली हुई, इनसे क्या लिया होगा? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा होगा, ठीक है। तो यानी कि हमें पता चल गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि फर्म ने क्या किया, हाउस होल्ड वालों से सर्विसेज लिए, फैक्टर सर्विसेज लिया, तो उनको फैक्टर पेमेंट दिया, तो इनके पास पैसा आया, जो वो पैसा आया तो इन्होंने क्या कहते हैं कि स्पेंड कर दिया, जो इन्होंने प्रोड्यूस करने में सहायता किया था, जिसको इन्होंने प्रोड्यूस कराया था कंपनी वालों ने, उसको उन्होंने क्या कहते हैं कि खरीद लिया, कि इन्होंने खरीद लिया, और क्या कहते हैं हाउस होल्ड वालों ने। द अदर चैनल्स ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ दियर इनकम आर क्लोज, यानी कि जब सिंप्लीफाइड इकोनॉमी में बाकी सारे चैनल्स क्लोज हैं, वी हैव अज्यूम दैट हाउस होल्ड डू नॉट सेव, हम यहाँ पे मान रहे हैं हाउस होल्ड सेव नहीं कर रहे हैं, ना तो वो कोई टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है सिंपल इकोनॉमी में, सिंप्लीफाइड इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट नहीं है, ना तो वो कोई भी इंपोर्टेड गुड्स, क्योंकि हमने बताया कोई एक्सटर्नल ट्रेड भी नहीं है, एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है तो बाहर से कुछ सामान नहीं लाया जा रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज दियर रीन्यूमरेशंस टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो कैपिटल ओनर हो, हाँ ये सब लोग, या चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, ये इनके पास जो भी पैसा आ रहा है, वो केवल और केवल क्या कर रहे हैं, सामान, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कंपनी के द्वारा बनाई जा रही थी, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही थी, उसी को खरीदने में पूरा का पूरा पैसा उनका जा रहा है। द एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट मतलब क्या, टोटल जितना कंजम्पशन हुआ, ठीक है, बाई हाउस होल्ड्स, मतलब क्या होगा, बहुत सारे घर होंगे, पूरे एक देश में बहुत सारे घर होते हैं, तो जितना भी जो एग्रीगेट कंजम्पशन हुआ है जो इकोनॉमी का, वो इक्वल है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना इन्होंने कंज्यूम किया, यानी कि एग्रीगेट कंजम्पशन जो हुआ, एग्रीगेट कंजम्पशन जो हुआ वो कितना हुआ, हाँ, एग्रीगेट कंजम्पशन जो हुआ है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर है। ये कंजम्पशन किसने किया, हाउस होल्ड, ये एक्सपेंडिचर किसने किया, हाउस होल्ड ने, लेकिन किस पे किया, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और यानी कि यही चीजें क्या हो रही है वहां पे, प्रोड्यूस भी तो की जा रही है, ठीक है। ये इक्वल होता है एक्सपेंडिचर गुड प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में ये क्या हो रहा है कि इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है कि किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई, हाँ किसी भी कंपनी के द्वारा, ये फर्म के द्वारा प्रोड्यूस की गई, तो इस पे जो पैसा, जितना भी इन्होंने कंजम्पशन किया, उतना पूरा पूरा पैसा यहाँ पे चला गया, एक्सपेंडिचर में चला गया इसके, ठीक है, यानी कि कंपनी के पास पैसा चला गया, ठीक है। द एंटायर, यही यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, यही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, द एंटायर इनकम ऑफ द इकोनॉमी कम्स बैक टू द प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू, यानी कि सेल्स रेवेन्यू के फॉर्म में, क्या कहते हैं कि सारा का सारा पैसा इसके पास पहुंच जाता है, सेल्स रेवेन्यू के फॉर्म में सारा का सारा पैसा इसके पास में, फर्म के पास में फिर से पहुंच जाता है, यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है, देयर इज नो लीकेज फ्रॉम द सिस्टम। लीकेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी पैसा मतलब कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट दैट फर्म्स हैड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि जितना इन्होंने ये फैक्टर पेमेंट दिया है और ये स्पेंडिंग हमेशा इक्वल रहेगा, तो फैक्टर पेमेंट और स्पेंडिंग है वो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है, इसमें कोई भी लीकेज नहीं है, मतलब कहीं पे कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है, कहीं पे कोई क्या कहते हैं कि सेविंग वगैरह तो नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें है ही, ठीक है, इतना बात समझ में आए, समझ। विच इज द सम ऑफ टोटल ऑफ रिम्यूनरेशंस अर्नड बाय द फोर कैपिटल्स प्रोडक्शन, जितना इन्होंने फोर कैपिटल जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी खर्च हुआ था, हाँ जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी खर्च हुआ था, हाँ जो फैक्टर पेमेंट था वो स्पेंडिंग के बराबर है, सीधी सीधी बात यहाँ पे ये बताया है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब क्या होता है, फिर अगले साल फिर से यही चलता रहेगा, अगले साल मतलब एक बार हुआ, एक बार ये ऐसा चला, एक बार क्या हुआ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड के पास में गया, मतलब कि इन्होंने फैक्टर पेमेंट किसके पास में गया, हाउस होल्ड के पास में गया, अब हाउस होल्ड ने पैसा लिया,
और उतने का फर्म से खरीद लिया। फिर से अब फर्म के पास उतना पैसा आया, फर्म के पास में फिर से जैसे समझो यहाँ पे कि इन्होंने 100 रुपए का 100 रुपए मिले, 100 रुपए मिले तो इन्होंने 100 रुपए खर्च कर दिए। फिर ऐसे चलेगा, फिर ये बार बार ये चलता ही रहेगा, बार बार ये चलता ही रहेगा। तो अब क्या होगा, क्या ये 100-100 का ही चलता रहेगा? तो अब इसमें क्या करते हैं, मान लो एक केस ऐसा लेते हैं कि ये जो क्या नाम है, ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड कह रहे हैं कि भाई अब की मैं 100 का नहीं 120 रुपए स्पेंड करना चाहता हूँ। अब की मैं कितना स्पेंड करना चाहता हूँ, 120 रुपए। मान लो इन्होंने 20 रुपए कहीं से उधार वगैरह ले, 20 रुपए इन्होंने कहीं से उधार वगैरह ले लिए। तो अब इन्होंने क्या किया कि 20 रुपए, जब 120 रुपए खर्च करना चाहते थे, यानी कि इसको 20 का एक्स्ट्रा प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। फर्म को क्या करना पड़ेगा, 20 का एक्स्ट्रा प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, यानी कि 120 का गुड्स एंड सर्विसेज इसको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, 120 का इसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर 120 स्पेंडिंग हो रही है तो गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस होंगी 120 रुपए। और फिर तो यानी कि अब इन्होंने अब 120 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए तो फैक्टर ऑफ पेमेंट्स भी तो 120 का ही होगा। फैक्टर ऑफ पेमेंट्स भी कितने का होगा, 120 का ही होगा, क्योंकि इतना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए इतना पैसा भी तो लगेगा, इतना ही पैसा लगेगा। यानी कि ठीक है, कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है कि द यही यहाँ पे बताया हुआ है कि द रिम्यूनरेशन विल वंस अगेन बी यूज टू बाई द गुड्स एंड सर्विसेज। सेम यही चलता रहेगा, सेम ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से कि कैसा, मतलब एग्रीगेट इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, हेंस ईयर आफ्टर ईयर हम हाँ हेंस ईयर आफ्टर ईयर वी कैन इमेजिन द एग्रीगेट इनकम ऑफ इकोनॉमी गोइंग थ्रू द टू फैक्टर्स, यानी कि फर्म्स में जा रहा था और एक हाउस होल्ड में, वो पैसा पूरा पूरा फर्म्स और हाउस होल्ड में चला जा रहा है, एक सर्कुलर वे में चला जा रहा है। इसी को बोलते हैं क्या नाम है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसी को क्या बोला गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। व्हेन द इनकम इज बीइंग स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, यानी कि जो इनकम होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, तो इट टेक्स फॉर्म ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो वो क्या हो, किस में किस फॉर्म में चला गया, एक्सपेंडिचर के फॉर्म। जब वो सारा का सारा पैसा खरीदने में चला गया तो उसे क्या बोला गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोला, उसे क्या बोला गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोला। ठीक है, और ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कौन रिसीव करता है, रिसीव करता है कंपनी, रिसीव करती वो कंपनी, रिसीव करती है वो फर्म, रिसीव करती। सिंस द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि जितना भी एक्सपेंडिचर किया हमने उतने के ही गुड्स एंड सर्विसेज उतने की ही होनी चाहिए। वी कैन इक्विवेलेंटली मेजर द एग्रीगेट इनकम, यानी कि हम एग्रीगेट इनकम को भी मेजर कर सकते हैं कितना उसके पास पैसा आया होगा। तो एग्रीगेट इनकम को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एग्रीगेट इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास में ये क्या होना चाहिए कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई कंपनी के द्वारा, वो एग्रीगेट इनकम उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्रीगेट इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये कैलकुलेट कर ले कि इतना हम कितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है कंपनी के द्वारा। When the aggregate revenue received by the firm is paid out to the factors of production, it takes form of the, जब के कहते हैं कि कंपनी के द्वारा जो रेवेन्यू आती है, जो कंपनी के पास रेवेन्यू आते हैं उसको जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए पे करता है तो उसी को क्या बोला गया, एग्रीगेट इनकम बोला। ठीक है, वो सारी बातें हमने वहां पे वो बता दिया कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से इस डायग्राम को देख लो, इस डायग्राम को मैं समझा देता हूँ फटाफट। यानी कि देखो क्या हुआ, ये जो कंपनी थी यहाँ पे, ये जो कंपनी थी, ये जो फर्म था, इसने क्या किया, फैक्टर सर्विस, ये जो फर्म है इसने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज लिया, फैक्टर सर्विसेज लिया किससे, हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लिया। तो उसके बदले में इन्होंने क्या किया, फैक्टर पेमेंट्स, उसके बदले में इन्होंने क्या किया, फैक्टर पेमेंट्स लिए। ओके, उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको बोलते हैं ये प्रोडक्शन मार्केट, क्या है, प्रोडक्शन मार्केट। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर ऊपर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं क्योंकि इनके पास इनकम, हाउस होल्ड के पास में क्या आ चुकी है, इनकम आती है, हाउस होल्ड के पास में क्या आ चुकी है, इनकम आती है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज इससे खरीद रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के बदले ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा स्पेंड कर, अपना पैसा किसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, फर्म के पास में जा रहे हैं। तो ठीक है, तो इसको क्या बोला गया,
इसको बोला गया मनी मार्केट, जिसको क्या बोला गया गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, इसको क्या बोला गया गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट। गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में क्या हो रहा है कि पैसे खर्च वगैरह हो, इतनी बात समझ में, ठीक है यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब क्योंकि अब चाहे जहां पे तुम यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करो, आपका जो एग्रीगेट चाहे वो ए पे कैलकुलेट करो, चाहे वो बी पे कैलकुलेट करो और चाहे सी पे, हाँ चाहे ए पे चाहे बी पे चाहे सी पे, जो अमाउंट ऑफ मनी है वो हर जगह पे क्या है सेम है, हर जगह पे सेम है, यानी कि अमाउंट ऑफ मनी क्या है हर जगह पे सेम है, क्योंकि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ही तो रिप्रेजेंट कर, वो सर्कुलर वे में चल रही है, तो हर जगह पे ये सारी चीजें क्या होंगी सेम होंगी, यानी कि एनुअल फ्लो जो होगा हर जगह पे क्या होगा सेम होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेजर करता हूँ ए पे, अगर मैं यहाँ पे ए पे मेजर करता हूँ कि कितना यहाँ पे फ्लो है, यहाँ पे कितना फ्लो है, तो हम कह देंगे कि अगर ये 100 का होगा तो यहाँ पर भी 100 का ही फ्लो होगा और यहाँ पर भी 100 का ही। ओके, इतना बात समझ रहे हैं? यहाँ तक ठीक है, आगे ये सारी बातें यहाँ तक, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी, ठीक है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये जितना भी मैंने बताया था कि देखो ये लिखा हुआ है कि सिंस द सेम अमाउंट ऑफ मनी रिप्रेजेंटिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हाँ के लिए जो सेम अमाउंट ऑफ मनी क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है सर्कुलर वे में, सेम अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलर वे में मूव कर रहा है। इफ वी वांट टू एस्टिमेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर, वी कैन मेजर द एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लोज एट एनी, हाँ वो तीन डॉटेड लाइन जो मैंने अभी बताया था वहां पे ए बी सी कहीं पर भी मिल जाएंगे। वी कैन मेजर द अपर मोस्ट फ्लो, मतलब जो पॉइंट ए था, बाय मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग, यहाँ पे पॉइंट ए पे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट ए पे अगर हमने कितना देखा कि कितना एक्सपेंड किया जा रहा है, पॉइंट ए पे देखा हम देख रहे हैं कि कितना एक्सपेंड किया जा रहा है ये देखा गया, अगर मुझे क्या देखना है एग्रीगेट वैल्यू देखेंगे, एग्रीगेट वैल्यू देखेंगे ठीक है, अगर मुझे देखना है कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग, अगर मुझे देखना है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग तो मैं ए पे देखूंगा, कहाँ पे देखूंगा ए पे देखा तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग मिलेगी, ठीक है। अच्छा ये स्पेंडिंग किस पे मिल रही है, जब ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे मिल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे मिल रही है, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया एक्सपेंडिचर मेथड, इसको क्या बोला गया एक्सपेंडिचर मेथड, इसको क्या बोला गया एक्सपेंडिचर मेथड, इसको क्या बोला गया एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, फिर अगला आता है इफ वी मेजर द फ्लो एफ बी बाई मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, यानी कि अगर मैं बी पे देखूं, बी पे देखूं तो अगर मैं एग्रीगेट वैल्यू निकालू किसका फाइनल गुड्स, अगर मैं एग्रीगेट वैल्यू निकालू फाइनल गुड्स का, कितना फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है इसका एग्रीगेट वैल्यू निकालता हूँ, तो इसको बोला गया प्रोडक्ट मेथड, क्या बोला जाएगा इसको प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड से मैं एग्रीगेट वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ कि कितना फैक्टर पेमेंट किया गया, कितना फैक्टर पेमेंट निकाला गया, कितना फैक्टर पेमेंट हुआ है इससे मैं एग्रीगेट वैल्यू निकाल रहा हूँ, इससे मैं एग्रीगेट वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फैक्टर पेमेंट इज नोन है, अगर मैं इससे पता कर रहा हूँ इसे बोला जाता है इनकम मेथड, इसके क्या बोला गया इनकम मेथड। तो ठीक है तीन मेथड होते हैं, हाँ तीन मेथड होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कितना एग्रीगेट स्पेंडिंग वगैरह हुआ है ये सारी बात, ठीक है इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये बचा हुआ है, ये हमने आपको बता दिया कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है क्या नहीं होता, ये बता दिया एक्सपेंडिचर मेथड प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। अब यहाँ से आगे एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑफ इकोनॉमी मस्ट बी इक्वल टू द एग्रीगेट इनकम, यानी कि आपका जो एग्रीगेट स्पेंडिंग है वो एग्रीगेट इनकम है वो दोनों इक्वल हो, ठीक है एग्रीगेट स्पेंडिंग और एग्रीगेट इनकम हमेशा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं है, कोई भी लीकेज नहीं है। नाउ लेट अस सपोज दैट एट अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द हाउस होल्ड डिसाइड टू स्पेंड मोर, मान लो हाउस होल्ड, वो जो मैं 120 वाला एग्जाम्पल दे रहा था वो यहाँ से था, ठीक है वो 120 वाला जो एग्जाम्पल बता रहा था कि हाउस होल्ड क्या करता है कि अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये फर्म है और ये क्या है, ये फर्म है ये हाउस होल्ड है, हाँ अब ये फर्म क्या करता है, हाउस होल्ड कहता है कि भाई मैं 100 के बजाय 120 खर्च करना चाहता हूँ, 100 के बजाय 120 खर्च करना चाहते, वही लिखा हुआ है। नाउ लेट अस सपोज दैट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द हाउस होल्ड डिसाइड टू स्पेंड मोर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये गुड्स एंड सर्विसेज इसको प्रोवाइड कर रहा था
उस पर ये ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा। हाँ, फॉर द टाइम बींग लेट अस इग्नोर, अभी हम ये समझ लेते हैं कि इन्होंने पैसा कहीं से उधार लाया हो। नाउ इफ दे स्पेंड मोर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज पे ज्यादा पैसा ना खर्च करेंगे, द फर्म विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उसको 120 का प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, उसको 120 का प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, उसको 120 का प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि उसके लोगों के एक्स्ट्रा डिमांड को वो फुलफिल कर सके, लोगों को एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल कर सके, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, सिंस दे ऑल प्रोड्यूस मोर। अब ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यानी कि इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी इनको 120 रुपए ही देना पड़ेगा, 120 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहते हैं कि इस पे मेहनत किया ज्यादा, इन्होंने मेहनत किया हाउस होल्ड वालों ने, कि 120 रुपए का अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है, 120 का प्रोड्यूस किया, पहले 100 का ही प्रोड्यूस किया जा रहा था, यानी कि 20 का और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है तो मेहनत भी तो ज्यादा लगेगी, तो उसके लिए पैसा भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट मनी विल दिस फर्म पे, तो देखो पहले 100 पे करता था, इसने 20 ही पे किया, यानी कि जितना हाउस होल्ड ने स्पेंड ज्यादा किया उतना ही फैक्टर उतना ही के कहते हैं कि इसने ज्यादा पेमेंट भी, ठीक है, कंपनी ने उतना ही ज्यादा पेमेंट किया जितना हाउस होल्ड ने एक्स्ट्रा खर्च किया है, जितना हाउस होल्ड ने एक्स्ट्रा खर्च किया है उतना ही कंपनी ने एक्स्ट्रा उनको दिया है। द एडिशनल फैक्टर ऑफ पेमेंट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो एडिशनल फैक्टर ऑफ पेमेंट उतना ही ज्यादा हो रहा है जितना वैल्यू गुड्स की प्रोड्यूस हो रही है, उतना गुड्स की वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जो हाउस होल्ड है, हाँ, वो एक्स्ट्रा अर्निंग पा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा अर्निंग पा रहे हैं, जैसे ही वो इनिशियल जितना वो अपने जितना वो स्पेंडिंग में ऐड कर रहे हैं, जितना वो एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं उतना ही उनको एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम मिल रही है, एडिशनल इनकम उतना ही मिल रही है जितना उनको क्या कहते हैं कि जितना उन्होंने एक्स्ट्रा क्या कहते हैं कि स्पेंड किया था। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द हाउस होल्ड कैन डिसाइड टू स्पेंड, अगर हाउस होल्ड जितना स्पेंड करना चाहता है तो उतना ही क्या कहते हैं कि उतना उतना उसको ज्यादा इनकम मिलेगी, एंड इन द एंड दियर इनकम विल राइज एग्जैक्टली द अमाउंट विच इज नेसेसरी टू कैरी आउट एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, यानी कि वो जितना एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे उतना उनको उतना ही उनकी इनकम बढ़ जाती है, उतना ही उनकी इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? पुटिंग इट डिफरेंटली, एन इकोनॉमी में डिसाइड टू स्पेंड मोर देन द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम, तो अगर अगर मैं कहूँ कोई भी इकोनॉमी अपने आप को क्या करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, कोई भी इकोनॉमी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है, उसको एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है, बट ऐसा करने पे क्या हो, इट्स इनकम विल इमीडिएटली राइज टू अ लेवल कंसिस्टेंट विद हायर स्पेंडिंग लेवल, यानी कि इसका जो हमेशा क्या होता है कि स्पेंडिंग लेवल पे क्या होता है, फिर से बार बार क्या होता है कि जितना जितना वो स्पेंडिंग कर रहे हैं उतना ही क्या कहते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उनको इनकम मिलनी है, उतना ही इनकम मिलने वाली है, जिसमें सीम अ लिटिल पैराडॉक्सियल एट फर्स्ट बट सिंस इनकम इज मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन, वो एक सर्कुलर फैशन में चल रहा है तो वो सारे के सारी चीजें इक्वल हो जाए। दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ हाउ फंक्शनिंग ऑफ सिंगल इकोनॉमिक एजेंट, ये सिंगल इकोनॉमिक एजेंट मे डिफर फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, तो यहाँ पे अगर जो सिंगल इकोनॉमिक एजेंट होगा वो एकदम अलग होगा पूरी इकोनॉमी होल से, क्योंकि तो जो पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, इन द फॉर्मर स्पेंडिंग गेट्स रिस्ट्रिक्टेड, हमें पता है कि अगर अगर इंडिविजुअल, हाँ, यानी कि सिंगल इकोनॉमिक एजेंट होगा, सिंगल इकोनॉमिक एजेंट पे क्या होता है, स्पेंडिंग क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, जहाँ पे इनकम हाउस होल्ड होता है, हाँ, रिस्ट्रिक्टेड बाई इनकम ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि वहां पे हाउस होल्ड के इनकम के ऊपर ही डिपेंड होता है बस, कि हाउस होल्ड का इनकम जितना है उतना ही वहां पे क्या कहते हैं स्पेंडिंग है। ठीक है, इट कैन नेवर हैपन इन अ सिंगल दैट अ सिंगल वर्कर डिसाइड टू स्पेंड मोर, अब सिंगल वर्कर थोड़ी ना डिसाइड करेगा भाई मैं ज्यादा खर्च करूंगा, एट लीस्ट टू द इक्विवेलेंट राइजिंग, तो क्या होगा कि अगर वो जितना खर्च करेगा उतना ही उसका इनकम बढ़ेगा, बस सीधी सी बात है, यहाँ भी ये हो, बट वी शैल स्पेंड मोर टाइम ऑन हाउ हायर एग्रीगेट स्पेंडिंग लीड्स टू चेंज इन एग्रीगेट इनकम, आगे हम चल के पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें पता चलेगा, लेकिन ये जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ये क्या है, एक मॉडल है, जो अभी हमने पढ़ा वो क्या है, वो एक सिंप्लीफाइड जो है, ये सिंप्लीफाइड इकोनॉमी है, जो सिंप्लीफाइड इकोनॉमी है जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं वो क्या है, सिंप्लीफाइड इकोनॉमी, और जो सिंप्लीफाइड इकोनॉमी है ये एक इमेजिनरी इकोनॉमी है, सिर्फ सच अ स्टोरी विच डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, इसे क्या बोल दिया हमने, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल बोल दिया। अब ये जो मॉडल होता है वो हमेशा एक्चुअल इकोनॉमिक होता नहीं है, मॉडल जो होता है
वो कभी एक्चुअल इकोनॉमी होता है क्या? मॉडल एक्चुअल इकोनॉमी तो होता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर मॉडल एज्यूम दैट हाउस होल्ड डू नॉट सेल, हमें पता है कि हाउस होल्ड यहाँ पे सोई भी कर रहा था, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई ट्रेड बाहर की कंट्री से नहीं था। मॉडल्स डू नॉट वॉन्ट टू कैप्चर द इकोनॉमी इन इट्स एवरी माइन्यूट डिटेल, लेकिन हमने जो इसमें सारे के सारे छोटे छोटे डिटेल्स वगैरह नहीं लिखी, तो लेकिन जब एक्चुअल मैटर आता है तो ये सारी सारी छोटी छोटी चीजें डिटेल पर भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। इतनी सारी बातें यहाँ तक आ। इफ वी चेंज आर सिंपल मॉडल डिस्क्राइब एबव, इंट्रोड्यूस सेविंग, अगर मैं सेविंग वगैरह इसको इंक्लूड करूंगा तो हमारा ये मॉडल का मतलब अलग हो जाए, ठीक है। हर मॉडल का यहाँ पे इकोनॉमी में अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातें थी, तो ये सारी चीजें यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी हैं, और जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगले चैप्टर में, अगले मतलब अगले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वहां पे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम क्या कहते हैं कि नेशनल इकोनॉमी में, हाँ, कि कैसे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम कैलकुलेट करेंगे। वो तीनों मेथड्स पढ़ेंगे, एग्रीगेट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारा चीज हम क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी, और जो भी नहीं समझ में आया होगा हाँ प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है।